ये वो बंदा जिस वजह से मुझे ब्लास्टर और ट्यूब जो पड़ गई है लगा। एक मसला आ गया कि ट्यूब का कलर मैच, ये तीसरी ट्यूब है जो कचरे वाले डब्बे से निकाले हैं, देखते हैं कि चलते हैं कि नहीं चलते। बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, फिर वीडियो डेली बेसिस पर आई करेंगी, डेली वीडियो आई करेंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लेते हैं। तो वीडियो इस तरह की है कुछ के, लास्ट टाइम आपको पता होगा कि मैं लाहौर ट्रैवल कर रहा था, मोटरवे पर ट्रैवल करते हुए मेरी जो फॉग लाइट है वो एक गायब हो गई थी बिल्कुल। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ क्या था। ये देख सकते हैं आप, नीचे फॉग लाइट्स लगी हुई हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं, अंदर ट्यूब भी लगी हुई है और ये चलती भी है। ये वाली साइड आप देखें, अंदर से ट्यूब ही गायब है। हुआ इस तरह था कि कहीं मोटरवे के ऊपर ब्लास्टर गिरा और ट्यूब प्रॉपर तरीके से फिट नहीं थी, तो ट्यूब भी साथ ही गिर गई और बिल्कुल खाली हो गया। और मुझे मोटरवे पर ही पता चल गया था, मुझे ये नहीं पता कि गिरी एग्जैक्ट किधर थी, इसलिए वो वैसे भी ब्लास्टर ही बचना था अगर मिलती भी मुझे। ट्यूब तो मुझे फिर भी रिप्लेस करवानी पड़नी थी, तो खैर जो भी हुआ नुकसान हो गया। फिर मैंने सोचा कि इसको करवाएंगे चेंज, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं, मैंने कोई नहीं इसको छेड़ा नहीं। तो मैंने सोचा कि आज इसका मसला भी हल करवा लेते हैं। बाकी जो गाड़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो ही गई है, बस अब ये वाली करवाते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी को ड्रॉप भी करवाना है। तो फिर मैंने सोचा कि ट्यूब गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाते हैं और साथ में ब्लास्टर भी गाड़ी के अंदर न्यू इंस्टॉल करवाना पड़ना है। तो ये गलती किसकी आती है? तो गलती उनकी आती है जिन्होंने लास्ट टाइम ट्यूब फिट की थी, उन्होंने टाई क्लैंप के साथ ब्लास्टर प्रॉपर तरीके से फिट नहीं किया, जिस वजह से कई मोटरवे के ऊपर गिर गया। तो बिना वक्त आया कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर लें। उसके अलावा साउंड का काफ़ी ज़्यादा इशू था पिछले दो दिन वीडियो से, मैं देख रहा था। असल में गाड़ी में बैठ के फ़ैन ऑन करना पड़ता है, जिस वजह से गाड़ी के अंदर मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आती। देख सकते हैं आप, मैं भी अभी फ़ैन ऑफ करता हूँ। फ़ैन ऑफ करने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, पर फिर वीडियो नहीं बनती, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं फ़ैन को फुल लो स्पीड पर चलाता हूँ ताकि वीडियो, फिर थोड़ा सारा कम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला इसका भी कोई सलूशन सोचती हैं। तो बाकी जो फॉग लैम्प खाली हो गया था उसके पीछे मैंने टेप लगा दी थी, मैंने कहा फॉग लैम्प के अंदर मट्टी ना चली जाए, इससे जो क्रोम है वो फॉग लाइट्स का ख़राब ना हो। तो खैर उनसे जाके पूछते भी हैं कि उन्होंने किया क्या है हमारे साथ, टाई क्लैंप क्यों नहीं लगाया। टाई क्लैंप ना लगाने की वजह से जो है मोटरवे के ऊपर ब्लास्टर गिरा और ट्यूब प्रॉपर तरीके से फिट नहीं थी, वो भी साथ जाती रही। कोई नहीं, फिर नुकसान तो फिर साथ साथ हैं, और मसले तो आपको पता है गाड़ी के ख़त्म नहीं हो सकते, जब तक गाड़ी आपके पास है मसले उसी तरह ही होने हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियोस वगैरह डिले हो रही हैं, इंशाल्लाह ताला सून एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा हूँ, फिर वीडियोस डेली बेसिस पर आई करेंगी, डेली वीडियोज़ आई करेंगी इंशाल्लाह ताला। अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, ज़रा वो हो जाए एक दफ़ा पूरा, उसके बाद फिर जल्द इंशाल्लाह ताला, इतना मैंने आपको बता दिया जल्द, फिर इंशाल्लाह ताला डेली वीडियोस आई करेंगी। इस वजह से थोड़ी वीडियोस डिले हो रही थी कुछ मसरूफियत की वजह से, और कुछ बनाना मैं चाह रहा था पर टाइम नहीं था मिल रहा। तो खैर इंशाल्लाह ताला ये बाकी जो इस तरह की वीडियोस है ये तो कंटिन्यू रहेंगी, बाकी जो मेन जो मैंने सोचा हुआ है कि जो मैंने कॉन्टेंट अपलोड करना है वो आपको जल्द मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा, तो अगर आपने वो कॉन्टेंट देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर लें, लाइक शॉप के ऊपर मैं पहुंच गया हूं। और ये वो बंदा जिस वजह से मुझे ब्लास्टर और ट्यूब जो पड़ गई है, लगने ब्लास्टर को जो है ना वो टाई क्लैंप नहीं लगाया, जिस वजह से वो गिरा है। यार वो आपकी गाड़ी की किट लगी, किट नहीं लगी, अच्छा नहीं, अच्छा राइट साइड का नहीं लगा और मोटरवे के ऊपर आ गया। ये वो हिसाब हुआ कि मैंने लाइट लगवाई और पोल चढ़िया नहीं तो पहले खराब हो गया। नहीं नहीं बड़ी गलती इनकी है, पैसे तो चले मैंने उनको दे नहीं है, पर ये है कि गलती इनकी है, गलती मान लो कोई नहीं भाई, नहीं नहीं गलती मान ले फिर पाकिस्तानी का कैसे हुए मुझे गलती मान ले। देख लिया चले, है ना कोई प्लास्टर वगैरह पड़ा हुआ है? हाँ पड़ा हुआ है। और ट्यूब भी? हाँ ट्यूब। चलो ब्लू ट्यूब भी लगा दी? नहीं ब्लू है ही नहीं आपके पास, तो जो सिंपल वाली है ना वही
ये ब्लास्टर इन्होंने अपने जो कचरे वाले डब्बे से निकाले हैं, देखते हैं कि चलते हैं कि नहीं चलते। ये अब देखते हैं कि अब इस दोनों में से कोई एक सही है, उसके अलावा इन सारी ट्यूब में से देखते हैं कि कलर किसका मैच होता है। जल्दी से जो फिटिंग का काम है वो स्टार्ट करें, और साथ में ना वो बम्पर नहीं खुलना, बम्पर के अंदर जो शीट है ना टायर के अंदर, वो शीट को हटा के फिर लाइट्स लगानी है। ये वाली रिले जो थी ये भी ख़राब थी, ये भी चेंज करवाइए। ये वाला जो फॉग लैंप है इसकी वायर्स नहीं कनेक्ट, उस दिन बम्पर जब फिट करवाया था तो वो मुझे याद ही नहीं रही इसकी फ़िट करवानी, वो फिट कर रहे हैं। और उसके अलावा ये वाली साइड की जो हो गई है, इसको मैं टाइक लैंप लगवाऊँगा ताकि इसकी फिटिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए। एक मसला आ गया कि ट्यूब्स का कलर मैच नहीं हो रहा, ये देख सकते हैं आप, ये इतनी सारी ट्राई की हैं, बाकी शीट की जो सूरत हाल हुई है वो आप देख सकते हैं, शीट तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फॉग लाइट्स मैं ऑन करता हूँ, बाकी साइड की मैंने ऑन कर ली थी, वायर लगा ली, देख सकते हैं कि एक साइड की तो चल रही है, बाकी इसका कलर मैच करके चेक करना है कि होता है कि नहीं होता। नहीं यार बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, थोड़ा भी नहीं। ये रोला होता है जबकि सिंगल ट्यूब चेंज करवाने का, कलर के अंदर जो है ना मैचिंग बहुत मुश्किल से होती है, या तो आपके पास ट्यूब बेतहाशा पड़ी हो ना उसके अंदर कोई ना कोई मैच आ जाती है, अगर गिनी चुनी ट्यूब्स हों तो फिर कलर मैच करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो देखते हैं आपकी कोई मैच करती है कि नहीं करती, क्योंकि मैंने तो मैचिंग ठीक करवानी है चाहे जो मर्जी हो जाए। गाड़ी की लुक ही तब निकलनी है कि ये मैच हो, अगर मैच ना हुई तो फिर फ़ायदा कोई नहीं एच आई डी इंस्टॉल करवाने का। एक और ट्यूब ट्राई की है, ये तीसरी ट्यूब है, बोल सकता है एक ट्यूब आई है वो उसके अंदर तकरीबन 19 पीस का फ़र्क है, तो मैंने कहा वो साइड पर रखने, बाकी जितनी भी हैं ट्यूब अपने खदानों में से ये चेक कर लेते हैं, अगर कोई लग गई तो वो लगवा लेते हैं, अदरवाइज फिर अगर ना कोई मैच हुई तो फिर वो वाली ही लगवा लेंगे जिसके अंदर थोड़ा बहुत 19 पीस का फ़र्क है। ये वाली फाइनली जो है एक मैच कर गई है, थोड़ा सा फ़र्क, थोड़ी सारी तरह जो है ना ये डार्क ज़्यादा है, पर खैर वो चल चल के जो है ना वो बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर, देख लगेगा हिसाब तो दोनों रिप्लेस करवा लेंगे, फिलहाल जो है ना वो काम चल जाएगा। ये काफ़ी हद तक मैच कर रही है, 19-20 से ऊपर ही है। चलो यार प्रॉपर फिटिंग करनी है, पहले की तरह फिटिंग नहीं करनी। जो सारी गेम होती है ना वो अगर आपकी एच आई डी जल गई है, ट्यूब रिप्लेस करवानी है, तो सारी गेम उस चीज़ की होती है कि कलर मैच करे या ना करे। इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपकी एच आई डी ख़राब होती है तो आप पेयर ही जो है ना वो चेंज करवा लें, क्योंकि फिर सेम होता है। अगर आपके पास पैसे कम है तो फिर आप इतना की खजल खुआरियाँ करें कि एक एक रख के चेक करें कि उसकी जो दूसरी वाली एच आई डी है उसके साथ उसका कलर मैच हो जाए। कलर मैच करना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, वो भी अगर आपके पास तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन है ट्यूब्स की पड़ी हुई तो फिर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो जो है वो मिल गया, ब्लास्टर भी मैंने करवा लिया और अब वो जो इसको प्रॉपर तरीके से ट्यूब को भी फिट करने लगी हैं और ब्लास्टर को भी टाइक लैंप के साथ लगाने लगी हैं और गाड़ी जो थी ना वो फाइनल हो जाएगी इंशाल्लाह। स्टिल काम अभी भी जारी है क्योंकि शीट जो थी वो ओरिजिनल नहीं है, देसी लगी हुई है, वो प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं रही, तो इसलिए अभी मैंने कहा अर्जी तौर पर जो इसकी जो शीट है टायर शीट उसको फिट करें, इंशाल्लाह ताला हो जाऊंगा, तो इसकी शीट जो है वो लाजमी चेंज करवानी है, ये बड़ा मसला है। शीट जो मैंने आफ्टर मार्केट जो देसी लगी हुई है वो इसी तरह जिस तरह एक कागज़ है इतनी बारीक है। One eternity later. तो आज का काम इधर ख़त्म हो जाता है, हो गया, नीचे फॉग लाइट्स भी चल गई और एशियड ऊपर वाली तो पहले चल रही थी। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। तो गाड़ी का काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल, गाड़ी का काम करवाने के बाद जो अंदर से एक सुकून मिलता है ना वो बहुत कमाल का है। तो बाकी जब तक गाड़ी है तब तक काम निकलते रहेंगे, कभी कोई ट्यूब जल जाती है, कभी कोई काम होने वाला होता है, जिस तरह की आज गाड़ी का ब्लास्टर और एच आई डी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाई है, पिछला वाला गिर गया था मोटरवे पर, तो बस इसी तरह चलता रहता है जब तक गाड़ी, अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन की हुई है या फिर वैसे भी आपने गाड़ी रखी है, जब तक आपके पास गाड़ी है ना तब तक वो गाड़ी के अंदर छोटे मोटे काम उसको मेंटेन करने के लिए, चाहे वो मॉडिफिकेशन है चाहे आपने वैसे डेली बेसिस पर एक आप स्टॉक गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको मेंटेनेंस जो है ना वो लाजमी है करवानी पड़ती है। मॉडिफिकेशन के अंदर फिर जो मेंटेनेंस है वो आपके जो जेबें हैं वो खाली कर देती है, तो
तो मेरी तो सारी जेबें जो होती है ना वो गाड़ी के ऊपर ही खाली होती हैं। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।